हेलो सर, कैसे हो आप सब लोग। सो आज जो हम रिव्यू करने वाले हैं सुजुकी के ऑल न्यू स्कूटर का, 125 सीसी स्कूटर जो है कंपनी ने लॉन्च किया, जिसका नाम है अवनिस 125। तो ये जो है ये काफ़ी सही स्कूटर, लाइक लुक्स में तो आपको लगेगा ही काफ़ी अच्छा, और ये डायरेक्ट कंपटीशन देता है अपने एंटॉर्क 125 वगैरह को। और ये जो इसका स्पेशल एडिशन है, स्पेशल कलर है जो कि आप देख सकते हो। इसके बाद जो है एक और इसका व्हाइट कलर, उसका भी रिव्यू लेके आएंगे, और भी जो इसके काफ़ी सारे कलर्स है तो उनको भी जो मैं जल्दी दिखाऊंगा आपको। तो स्टार्ट करते हुए सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट से, फ्रंट में जो है देख सकते हो ड्यूअल कॉम्बिनेशन आपको देखने मिलेगा यहाँ पे ब्लैक कलर में। जो है यहाँ पे आपको ये इसका विंडशील्ड वगैरह देखने मिलेगा छोटा सा, एंड बाकी जो है ब्लू कलर का आपको ये मेटेलिक ब्लू में जो है देखने मिलेगा। यहाँ पे इंडिकेटर्स जो आपको हैलोजन मिलेंगे, जिसको कि ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं की लगा लेता हूँ, एंड उसके बाद में जो है दिखाता हूँ आपको इसके इंडिकेटर वगैरह सब कुछ। तो देख सकते हो हैलोजन जो आपको इंडिकेटर्स वगैरह इसमें देखने मिलेंगे। और उसके बाद में जिसकी मेन हेडलाइट है गाइस, वो काफ़ी सही दी है, मतलब डिज़ाइन वाइज या फिर जो है ब्राइटनेस वाइज वो जो है कोई भी आपको कमी लगेगी नहीं। यहाँ पे जो है आपको साइड में DRLs देखने मिलेगी, ऊपर जो है लो बीम है, नीचे हाई बीम है, एंड हाई बीम भी जो है ऑन करके देख लेते हैं यदि हो जाती है तो देख सकते हो अभी जिसकी हाई बीम भी जो है ऑन कर दी है, तो कुछ ऐसा डिज़ाइन जो इसका दिया गया है। और यहाँ पे जो है आपको एवेनिस की जो है यहाँ पे अगेंस्ट स्टिकरिंग वगैरह देखने को मिलेगी। तो ये जो नाम है ना, थोड़ा सा लाइक यूनिक है, बोलने में भी जल्दी से लाइक पकड़ में नहीं आता, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको बोलने में भी आपको अच्छे से। बाकी जो साइड में आपको रिफ्लेक्टर वगैरह देखने मिल जाएंगे, और यहाँ पे जो है काफ़ी शार्प एजेस जो है दिए गए हैं, तो डिज़ाइन भी जो है आपको काफ़ी यूनिक लगेगा साइड में, और देखने में जो है काफ़ी स्पोर्टी लग रहा है। इधर आऊँ तो यहाँ पे जो है आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा फ्रंट में, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, और टायर जो है 90 सेक्शन का आपको मिल जाएगा फ्रंट में, MRF कंपनी का जो टायर दिया गया है। इधर जो है सारे स्टिकर्स वगैरह आपको देखने मिल जाएंगे, राइड कनेक्ट एडिशन, तो यहाँ पे जो है आपको कनेक्ट वाला जो है फीचर देखने मिलेगा, लाइक अपने फ़ोन से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। साइड मिरर्स जो कुछ इस तरह के दिए गए हैं, और सेंटर कंसोल के बारे में बाद में बात करेंगे। उससे पहले जो है देख सकते हो यहाँ पे आपको की नॉर्मल सी मिलती है, जिसके ऊपर सुजुकी का लोगो मिल जाता है, एंड यहीं से जो आप इसकी बूट वगैरह जो ओपन कर पाओगे। सो यहाँ से जो आप बूट ओपन कर पाओगे इस साइड में फ्लिप करके, तो देख सकते हो जो बूट स्पेस है ना, वो भी इसमें काफ़ी अच्छा दिया गया है। देख रहे हो यहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, हेलमेट वगैरह जो है रख सकते हो। बाकी जो फ्यूल लिड है वो पीछे की साइड आपको देखने को मिल जाएगी, और जो सीट है ना वो भी काफ़ी कंफर्टेबल आपको मिलेगी। ये भी जो है आपको ड्यूअल टोन में देखने को मिलेगी, यहाँ पे रेड कलर की जो है स्टिचिंग वगैरह देखने मिल जाएगी, तो ये भी आपको काफ़ी सही डिज़ाइन में मिल जाती है। और पीछे की साइड में आऊँ तो यहाँ पे आपको 3D में जो है एवेनिस का लोगो देखने को मिलेगा, सुजुकी जो है अगेन यहाँ पे आपको स्टिकरिंग देखने मिल जाएगी सुजुकी की। जो फुटरेस्ट वगैरह है रियर के, वो कुछ ऐसे दिए गए हैं। बाकी जो है यहाँ पे स्पीड ग्रैब रेल्स देखने को मिल जाती है आपको ब्लू कलर में, एंड पीछे की साइड में आऊँ तो एग्जॉस्ट भी काफ़ी सही दिया है, मतलब काफ़ी स्पोर्टी, एंड यहाँ पे जो है आपको अलग से ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा यहाँ पे जो है मैट टाइप में, तो ये भी जो है काफ़ी स्पोर्टी दिया गया है इसका। और एग्जॉस्ट मतलब जो साउंड है वो भी मैं आपको सुना दूंगा लास्ट में, जो आई थिंक ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगी। और यहाँ पे जो आपको इंजन मिल जाता है इसका 125 सीसी का, जिसके स्पेक्स मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो पावर देता है लगभग 8.7 PS की, एंड 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। फ्यूल इंजेक्टेड जो यहाँ पे देखने मिलता है CVT, तो ये जो है आपको इसमें पूरा इंजन मिलता है। परफॉर्मेंस तो जो है राइड रिव्यू में पता चल जाए कैसी है कैसी नहीं है। बाकी फिलहाल जो इसकी टेल लाइट वगैरह दिखा देता हूँ आपको, टेल लाइट वगैरह कैसी दी है। तो ये जो इसकी टेल लाइट है पीछे जो है देख सकते हो, और ब्रेक पे जो है अलग दिखेगी, लाइक ब्रेक जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो कुछ ऐसी जो है इसी ब्रेक पे दिखती है, तो आई थिंक आपको अच्छे से दिख गई होगी। पूरी जो है LED में आपको देखने मिलेगी, हैलोजन इंडिकेटर्स यहाँ पे देखने मिल जाते हैं, यहाँ पे अपनी नंबर प्लेट वगैरह आप लगा पाओगे। और जो फ्यूल लिड है ना, उसके लिए आपको क्या करना है, साइड में यहाँ से ओपन करनी पड़ेगी। इसका भी यहाँ से होता तो ज़्यादा अच्छा होता, बट अभी जो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, तो ये देखो, तो यहाँ से जो आप इसको ओपन कर सकते हो, और अगेन जो है ऐसे आप दबा के बंद कर सकते हो। तो दोबारा से मैं लगा लेता हूँ इसको। ये जो स्कूटर है इसमें दिखाने के लिए काफ़ी कुछ है, लाइक काफ़ी सही फीचर्स इसमें दिए गए हैं। बाकी पीछे की साइड में भी जो आपको 90/100 जो है टायर देखने मिल जाएगा MRF कंपनी का ही, और अगेन यहाँ पे 3D लोगो, सुजुकी का लोगो। तो ये जो कलर है ना काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें क्या है आपको स्टिकर्स वगैरह, ग्राफिक्स वगैरह इनकी कोई कमी नहीं लगेगी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, जो कि देख सकते हैं आप यहाँ पे, और आई थिंक यहाँ पे आपको चार्जर भी इसके अंदर देखने मिल जाएगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको चार्जर वगैरह देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे जो है ना आपको ये ढक्कन मिलता है, ताकि भाई इसमें फ़ोन वगैरह रख के आप आराम से बंद कर लो। अब सोच रहे हो भाई फ़ोन कहाँ आएगा, तो यहाँ पे स्पेस देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, लाइक मेरा पूरा हाथ जा सकता है इसके अंदर, तो भाई इतना स्पेस है इसके अंदर, ताकि आपका फ़ोन यहाँ पे अच्छे से आ जाए। यहाँ पे आपको एक हुक मिल जाता है कोई भी बैग वैग टांगने के लिए, तो ये भी काफ़ी सही है। बाकी जो है यहाँ पे आपको इधर की साइड में ये
अपना इंजन वगैरह का जो है पूरा सेटअप देखने मिल जाएगा। शॉक एब्जॉर्बर्स पीछे की साइड में आपको देखने मिल जाएंगे। स्प्रिंग सस्पेंशन जो है यहाँ पे टायर अगर वगैरह देखने मिल जाए। बाकी जो है ये आप देख रहे हो ना, ये जो है इसका एयर फिल्टर का है, इसके अंदर जो है एयर फिल्टर वगैरह जो है रखा गया है, तो वो असेंबली यहाँ पे आपको दिखेगी इसकी। बाकी जो अभी सेंटर कंसोल पे आए तो उससे पहले आप ये सारे बटन देख लो, हाई बीम लो बीम, तो ये जो आपको दिख जाएगी हाई बीम लो बीम इसकी। यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह का बटन है, हॉर्न आपको सुना देता हूँ, सिंगल हॉर्न यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सुजुकी का लोगो यहाँ पे मिल जाता है। अभी स्टार्ट करके देख लेते हैं इसको। तभी जो कोल्ड स्टार्ट है तो थोड़ी देर जो इसको रेव नहीं करेंगे। बाकी जो साउंड आप सुन लीजिए, जैसे स्पोर्टी स्कूटर है ना वैसे ही जो है आपको साउंड भी इसकी देखने मिलेगी काफ़ी अच्छी। बाकी जो भी सेंटर कंसोल पे आ जाते हैं तो यहाँ पे जो है आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी इसमें। लाइक यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर वगैरह शो कर देगा, यहाँ पे आपको टाइमिंग वगैरह शो करेगा, ऊपर जो फ्यूल मीटर, एंड यहाँ पे आपको एवरेज वगैरह जो है शो कर देगा, क्या एवरेज है क्या नहीं है। यहाँ पे जो दो बटन मिल जाते हैं आपको, तो यहाँ पे देख सकते हो बैटरी वोल्टेज वगैरह, यहाँ पे पूरा ऑडोमीटर वगैरह, ट्रिप ए बी वगैरह सब कुछ जो यहाँ पे शो कर देगा। ट्रिप ए की अलग से एवरेज शो करेगा, बी की अलग से, तो वो भी काफ़ी अच्छी है, रियल टाइम एवरेज भी यहाँ पे शो कर देगा। बाकी यहाँ पे मोड वगैरह देख सकते हो, मोड के बटन पे जो क्लिक करोगे तो यहाँ पे पेयरिंग मोड में जो आ जाता है, तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करो। उसके बाद में टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी इसके अंदर जो है दिया गया है, और छोटी सी मिनट जो है यहाँ पे दी गई है जो कि काफ़ी सही लग रही है। तो ये था आज की वीडियो में, बाकी अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।